तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। काशीपुरवासी जब भी अधर में डूबे फ्लाईओवर निर्माण के पूरा होने का मुद्दा उठाते हैं तो उन्हें नई तारीख दे दी जाती है, पर फ्लाईओवर निर्माण कार्य पूरा नहीं होता। ऐसे में लोगों का सब्र का बांध अब टूटने लगा है। काशीपुर के बीचों बीच बाजपुर रोड पर निर्माणाधीन आरओबी फ्लाईओवर पिछले 6 सालों से अधर में लटका हुआ है। ऐसे में आमजन खासा नाराज है। पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने फिर एक नई तारीख बताते हुए कहा कि 15 दिसंबर तक फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, जिसके बाद राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान का कहना है कि डबल इंजन की सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही है। फ्लाईओवर का निर्माण कार्य समय पर पूरा न होने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार और मौजूदा विधायक जिम्मेदार हैं। काशीपुर की जनता को एक नई तारीख देकर फिर से लॉलीपॉप दिया गया है। अगर 15 दिसंबर तक काम पूरा नहीं हुआ तो कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर बैठेंगे। मैंने सुबह जो हमारे अधिशासी अभियंता है उनसे बात करी कि भाई आपने एक डेट फिर दी, क्या ये हमारा पूरा जो ओवरब्रिज पूरा होगा? तो उन्होंने कहा कि साहब हमने उन्हें बताया था कि रेलवे की जो संपत्ति है उसके बाद हमें 2 महीने चाहिए। तो अभी उन्हें यही नहीं पता कि रेलवे की संपत्ति कितने दिन बाद जाएगी। तो उसके लिए माननीय, मैं समझता हूँ कि हमारे विधायक जी को सांसद महोदय से वार्ता करनी चाहिए थी, और जो सांसद जो हमारे जो कैबिनेट राज्य मंत्री भी हैं वो केंद्र में, आज क्या उनको काशीपुर की चिंता नहीं है कि जनता की गाढ़ी कमाई इसमें इन्वेस्ट हो चुकी है और जब काशीपुर की जनता है त्राईमान त्राईमान कर रही है, और हमारे विधायक जी आते हैं एक मीटिंग करते हैं और चाय नाश्ता करने के बाद वो एक तारीख दे देते हैं कि इस तारीख को ओवरब्रिज पूरा हो जाएगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।